शिकंजे में शिक्षा के सौदागर, ये देखिए हाजिरी का कोई नामो निशान नहीं और स्टूडेंट्स इससे भी बन रहे हैं डॉक्टर। कई उत्तर पुस्तिकाएं हैं खाली, कुछ की मार्किंग भी नहीं, फिर भी हो रहे हैं पास। हिमाचल के शिक्षा हब सोलन को बदनाम कर दिया एक निजी विश्वविद्यालय ने। फर्जी डिग्रियों के मामले में उच्चाधिकारियों ने की मानव भारती यूनिवर्सिटी की जांच। क्या सरकार के संरक्षण में फल फूल रहा था शिक्षा का फर्जी धंधा? हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का हब कहे जाने वाले सोलन की मानव भारती यूनिवर्सिटी ने फर्जी डिग्री को लेकर पूरे देश में यहां की बदनामी करवा दी। हालांकि इस विश्वविद्यालय पर डिग्रियां बेचने और ढेरों अनियमितताओं के आरोप सालों से लगते आ रहे हैं, लेकिन इस बार ये आरोप पुख्ता होते नजर आ रहे हैं। शनिवार को उच्च अधिकारियों की अध्यक्षता में पुलिस टीम ने मानव भारती विश्वविद्यालय में दबिश दी। पुलिस ने यूनिवर्सिटी का सारा रिकॉर्ड खंगाला और इसमें जो खुलासे हुए वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। पुलिस सूत्रों में पता चला है कि मानव भारती विश्वविद्यालय के परिसर में 10,000 के करीब डिग्रियां खाली पाई गई, जिन्हें फर्जी तौर पर लोगों को बेचने के लिए रखा गया था। एक आंसर शीट में तो परीक्षार्थी ने भैंस ही बना रखी है, लेकिन उसे भी मिले पासिंग मार्क्स। कई उत्तर पुस्तिकाएं ऐसी भी मिली जो अंदर से खाली और बाहर दिए गए हैं अंक, जबकि कई आंसर शीट को बिना चेक किए ही नंबर दे दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन के दौरान भी होती थी धांधली। मानव भारती विश्वविद्यालय में माधव यूनिवर्सिटी की भी मिली बिना चेक की हुई उत्तर पुस्तिकाएं। यही नहीं, विश्वविद्यालय का बहुत सारा रिकॉर्ड भी तहस नहस कर दिया गया है। ऐसे में अब पुलिस कस रही है यूनिवर्सिटी पर शिकंजा और बेनकाब हो जाएंगे शिक्षा को बेचने वाले। आप भी देखिए कि किस तरह से यहां पर बिना नाम के लग रही है हाजिरी। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के दो निजी विश्वविद्यालयों में डिग्रियों के फर्जीवाड़े को लेकर कुछ महीने पहले ही यूजीसी ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखा था, जिसमें मानव भारती का नाम भी था। अब बीते दिनों ही हरियाणा की एक महिला ने भी इस यूनिवर्सिटी पर उसे फर्जी डिग्री देने का आरोप लगाया है। सोलन पुलिस में इसकी बकायदा FIR दर्ज हुई और जांच शुरू हुई तो सामने आए कई घपले। हम अपने दर्शकों को बता दें कि मानव भारती यूनिवर्सिटी केवल अब नहीं सालों से विवादों में है। कभी यहां मूलभूत सुविधाओं व स्ट्रक्चर के लिए विवाद उठा, कभी डमी एडमिशन का मामला हुआ, तो कभी यूनिवर्सिटी फैकल्टी के नाम पर अनक्वालिफाइड स्टाफ की बात उठी, और कभी यहां पर ऐसे कोर्स की भी डिग्रियां दी गई जो यूनिवर्सिटी के पास थे ही नहीं। इसके अलावा समय समय पर मानव भारती को नर्सिंग काउंसिल, UGC और AICTE की मंजूरी ना मिलने का भी बवाल रहा। बावजूद इसके विश्वविद्यालय बेधड़क होकर इतने सालों से चलता रहा और हजारों छात्रों ने यहां से विभिन्न विषयों में डिग्रियां हासिल की। अब इन सभी की शैक्षणिक योग्यता व डिग्रियों पर सवाल खड़े हो गए हैं। साफ है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने शिक्षा के नाम पर हजारों छात्रों के साथ धोखा किया है, जबकि उन छात्रों की बल्ले बल्ले रही जिन्हें बिना पढ़ाई किए कक्षाओं में बैठे बगैर पेपर दिए बगैर डिग्रियां मिल गई। अब सवाल सीधा यह है कि किसी विश्वविद्यालय में सालों तक इतनी अनियमितताओं के बावजूद कैसे यह सारा गोरख धंधा चलता रहा? अतिशयोक्ति ना होगी यदि हम यह माने कि इस फर्जी यूनिवर्सिटी पर ऊपर की मेहरबानी और सरकार का भी संरक्षण रहा। यही कारण है कि बार बार यूनिवर्सिटी की मान्यता को लेकर सवाल उठते रहे और यहां की डिग्रियों को लेकर संदेह जताया जाता रहा, लेकिन जांच व कार्यवाही के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। वो भी तब जब मानव भारती में गड़बड़ियों को लेकर विधानसभा के सदन तक में सवाल लगे और हमेशा सरकार की ओर से पल्लू झाड़ा जाता रहा। मीडिया से जानकारी मिली है मुझे, लेकिन मैंने डिपार्टमेंट से पता किया था। एक UGC से जो है कंप्लेंट आई है, वो रेगुलेटरी कमीशन जो बनाया है हिमाचल गवर्नमेंट ने उसे भेज दिया गया था, और रेगुलेटरी कमीशन ने वो पुलिस को भी भेज दिया है और बाकी भी उसके ऊपर जो है छानबीन कर रहे हैं। सरकार की ओर से हमेशा तर्क दिए गए कि विश्वविद्यालय को देखना UGC का कार्य है और प्रदेश में इसके लिए यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन बना है, लेकिन उन छात्रों की बदकिस्मती रही जिन्होंने असलियत में यहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए एडमिशन ली थी, और वह पैसे वाले मजे ले रहे हैं जिन्हें कीमती कागज के टुकड़ों की जगह बेशकीमती डिग्रियां मिल गई। अब आपको बताते हैं कि इस बार भी जब विधानसभा हिमाचल के दो निजी विश्वविद्यालयों में फर्जी डिग्रियों का मामला उठा तो सरकार का यही तर्क था कि रेगुलेटरी कमीशन जांच कर रहा है।
हालांकि इस मामले में विपक्षी दल कांग्रेस के अलावा छात्र संगठनों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगे। आप क्या मानते हैं कि इस फर्जी यूनिवर्सिटी के संचालन में सरकार व अधिकारियों की मिलीभगत रही? यदि यह है तो यह अपने आप में गंभीर विषय है कि एक तरफ सरकार क्वालिटी एजुकेशन की बात करती है और दूसरी तरफ प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में फर्जी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस सारे घटनाक्रम से अब प्रदेश के अन्य निजी विश्वविद्यालय भी संदेह के घेरे में आ गए हैं। क्या वहां पर भी तो शिक्षा के नाम पर गड़बड़ झाला नहीं हो रहा? लिहाजा हम अपने दर्शकों को आगाह करना चाहते हैं कि शिक्षा के ऐसे सौदागरों से बचे, और यही उद्देश्य है हमारा कि विश्व गुरु कहे जाने वाले भारत देश में शिक्षा दीक्षा पर ऐसा ग्रहण ना लगे। यहाँ सोलन पुलिस ने केस दर्ज किया है और यहाँ इस यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस पे सर्च कंडक्ट किया है, और आज कल भी था और आज दिन भर हम लोग थे, और कई तरह के इसमें क्रिमिनल एक्ट्स इसमें सामने आए हैं। जैसे कि कई कैंडिडेट्स हैं जिनकी कॉपी एग्जामिन हुई नहीं है और उनको मार्क्स दिया गया है रजिस्टर में, उनको डिग्री भी अवार्ड किया गया है, और भी कई तरह के इरेगुलरिटीज़ और क्रिमिनल इनके कंडक्ट सामने आए हैं। सारे एविडेंसेस को पुलिस कलेक्ट कर रही है, सीज कर रही है। कई कॉपीज़ निकले हैं ऐसे जिसको एग्जामिन नहीं किया गया है, जिसको जांच नहीं किया गया है, और रजिस्टर में उनको दिखाया गया है कि उनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू किया गया है, कैंडिडेट का सिग्नेचर किया गया है, कैंडिडेट यहाँ आया भी नहीं है और किसी और ने उसका सिग्नेचर किया है। अभी सर्च कर रहे हैं और जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको खोज रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जो कानूनी तौर से जो बनता है उसको करेंगे।